एक्स्ट्रा ग्रेवी चिकन का, एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है मेरी, मेरे पापा कहाँ रहते हैं। गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे खाने पे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, मम्मी ने बहुत ही प्यार से बनाया है खाना। आज पे देख सकते हो रेडिश का पकोड़ा है, यहाँ पे होल चिकन है, रेड स्पिनच है। ये वीडियो होगा Q&A वीडियो, तो फ्रेंड्स आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, खाते खाते सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा। तो देरी ना करते हुए खाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। खाना स्टार्ट करने से पहले पहला कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। और फ्रेंड्स, जिन लोगों का कमेंट नाम नहीं ले पाया, प्लीज़ वो लोग मुझे माफ़ कर देना। तो फ्रेंड्स, पहला कमेंट रेशमि, जॉयदीप, अर्पिता, हंग्री शॉर्ट्स ऑफिशियल का लोगों ने कमेंट किया है, मैं कहाँ पर रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नॉर्थ ईस्ट का छोटा सा स्टेट त्रिपुरा अगरतला में रहता हूँ। फ्रेंड्स, आप जो जो भी अगरतला में रहते हैं और त्रिपुरा में रहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। गरम गरम राइस है, एक्स्ट्रा ग्रेवी चिकन का। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, ओमकार निबंध कर ने पूछा है कि आपका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स मेरा नाम है बिजन, ये एक बंगाली नेम है, तो मेरा नाम बिजन है। फ्रेंड्स, आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है कि क्लासेस बाय उनकी ने पूछा है कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है मेरी। मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं हूँ, थोड़े बहुत मेहनत करके बंगाली में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है और उसके बाद
टीचर्स की एग्ज़ाम देते हैं ना, एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए बीएड एग्जाम बीएड का, तो मैंने बीएड भी किया है। उसके मिडल में फ्रेंड्स थोड़ा बहुत है, 2 साल तक बैंकिंग का प्रिपरेशन किया था, उसके बाद यूट्यूब में चलाया, उसके बाद पढ़ाई करना छोड़ दिया फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गबिंस ने पूछा है कि डू यू कुक, इफ़ यस व्हाट फूड यू कुक। तो फ्रेंड्स मैं वैसे तो सारे डिशेस मैं कुक कर सकता हूँ, मम्मी जो घर में बनाती है बहुत सारे कुछ मैं भी बना सकता हूँ, सिवाय एक जो ऑमलेट है ना, भेज ऑमलेट मैं नहीं बना सकता, वो मम्मी कैसे ट्रिक करके बनाती है मैं दिखाया भी है, लेकिन मैं बना नहीं पाऊँगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये मेरे सेकंड चैनल पे भेज ऑमलेट कैसे बनाते हैं वो डाल दूँगा। फ्रेंड्स उसके बाद आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि बैद्या, रूपाली मोदक, लोरेला रोजवेल, श्यामल मित्र, आप सब ने पूछा है कि मेरे पापा कहाँ रहते हैं। बहुत पहले भी और बहुत लोगों ने पूछा है कि मेरे पापा कहाँ हैं, वीडियो में क्यों नहीं आते। तो फ्रेंड्स मैं ये तो बताना तो नहीं चाहता था, आप लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मम्मी भी बोलती थी ये सब बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप लोग बहुत बार बोल रहे हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पापा जो है ना, मेरे बहन, मैं और मेरे मम्मी, जब नया नया कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तब मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी,
उससे पहले हम लोगों को बहुत बचपन से हम लोग बहुत मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर सहा है हमने, तो उसके बाद हम लोग तो वहाँ से आगे उसके बाद में हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था। मम्मी के बैंक के अकाउंट में 30,000 के करीब था, तो हम लोग भी थोड़ा बड़े हो गए थे। तो मेरे बहन और मैंने ट्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे ज़्यादा ट्यूशन करना नहीं आता था, मेरी बहन ही ज़्यादा करती थी, मैं थोड़ा बहुत कर लेता था। मैं और मेरे मम्मी ने सोचा था कि एक बार ये सोचा था कि एक गाय खरीदेंगे। हमारे साथ जो रेंट पे रहते थे ना, वो लोग समोसा बेचते थे, तो हमने सोचा कि मैं और मम्मी समोसा और पकौड़े बना के देंगे, तो मैं बाज़ार में जाके सेल करूँगा इसे। ऐसा भी दिन सोचा था हमने फ्रेंड्स। अभी तो आप सब और यूट्यूब के आशीर्वाद से मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे घर में जो कुछ भी है, एक एक चीज़ कम प्राइस से वो ज़्यादा प्राइस तक, जितने भी चीज़ें हैं सब लोग आप लोग और यूट्यूब की देन है। मैं तो फ्रेंड्स मर जाऊँगा, मरते वक्त भी आप लोगों का सपोर्ट और यूट्यूब का सपोर्ट नहीं होता तो मैं कहाँ पे रहता फ्रेंड्स। मैं ये तो ज़िंदगी भर भी नहीं भूलूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स मुझे इस मकाम पे पहुँचाने के लिए, बहुत वेरी वेरी थैंक यू फ्रेंड्स। चिकन लेग पीस उसके बाद आप सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुनाली, एम क्रिश, हरिदास, नेहा शर्मा, आप सब ने ये पूछा है कि मेरी शादी हो गई है कि नहीं। फ्रेंड्स अभी तक तो शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी की उम्र हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स मैं उतना हैंडसम भी नहीं जो लड़की मुझे पसंद करे, और मुझे बात करना भी, लड़कियों से बात करना भी उतना अच्छे से आता नहीं है। मैं सोशल मीडिया में एक दो को तो प्रपोज किया तो था, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं मुझे। तो फ्रेंड्स अभी तक मैं शादी नहीं किया।
उसके बाद आप सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक ताइडे भाई ने पूछा है कि व्हिच कार इज फेवरेट फॉर यू। फ्रेंड्स, मेरा तो अभी कार्स के नाम भी नहीं जानता, बड़े बड़े कंपनी का कार्स तो पसंद है, वो सब तो पसंद है, वो सब वीडियो में देखता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स उतना पैसा नहीं है जो सोच के भी क्या फ़ायदा। अभी फ़िलहाल मैं घर खरीदने की सोच रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करता हूँ, टाइम तो नहीं मिलता है मम्मी को, तो इसलिए वीडियो लेट देना पड़ता है। हमारे घर में आप तो जानती हो, मेरा छोटी सी नीस है, तो उसको देखभाल करना पड़ता है मम्मी को। अभी पहले घर खरीदूँगा, घर खरीदने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो घर खरीदूँगा, उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो कभी रिच बन गया तो एक अच्छा सा कार भी खरीदूँगा। होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्यू एंड ए वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक्स भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।